ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया इंग्लैंड का ये युवा बल्लेबाज वर्ल्ड कप से पहले लगा बैन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने में अब थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया है। सभी टीमों ने अपने 15 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है, लेकिन विश्व कप से पहले मेजबान टीम इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लगातार खिलाड़ियों का चोटिल होना और अस्वस्थ होना के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। लेकिन इसी बीच एक और घटना ने इंग्लैंड क्रिकेट को वर्ल्ड कप से पहले एक तगड़ा झटका दिया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स पर प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन के मामले में टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 21 दिनों का बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, दी गार्जियन में छपी एक खबर के मुताबिक एलेक्स हेल्स के प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाया गया है, जिसके बाद उन्हें ये सजाई सुनाई गई है। हेल्स ने अब तक इंग्लैंड के लिए 70 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 37.79 की औसत से 2,419 रन बनाए हैं। हालांकि अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में काफी दिन बाकी है। उम्मीद करते हैं अब तक एलेक्स हेल से ये बैन हटाया जाएगा और वो जल्द ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या एलेक्स हेल्स की इस हरकत के लिए उनके वर्ल्ड कप खेलने पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।